कैंसर दिवस के दिन रीवा में कैंप लगाकर कैंसर के रोगियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। हमारी टीम ने ऐसे ही एक केंद्र में जाकर होम्योपैथी और आयुर्वेद का कैंसर में क्या है महत्व, इसके बारे में डॉक्टरों से बातचीत की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज में टुडे, मैं जावेद अंसारी। जैसा कि मैं आपने दर्शकों को बता दूं, आज विश्व कैंसर दिवस है। विश्व कैंसर दिवस में एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद, एलोपैथ के बारे में बात फिर कभी, आज जो आपने ना सुना हो बात उसकी हो तो ज्यादा बेहतर है, होम्योपैथ और आयुर्वेद की। होम्योपैथ की बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रिया सोनी मौजूद है। मैं इनसे जानूंगा होम्योपैथ और कैंसर, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि होम्योपैथ भी कैंसर का इलाज करता है, लेकिन कैसे? होम्योपैथी भी एक अपने आप में सफलतम चिकित्सा है। जैसे कि देखा जाता है कैंसर की चार स्टेज होती हैं, तो लेकिन यदि शुरुआत में पेशेंट यदि हमारे पास आ जाते हैं, होम्योपैथी में आ जाते हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, 100% रिजल्ट मिलता है। पर थोड़ा वक्त लगता है, पर रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, बस समय में अगर आप हमारे पास आ गए तो आयुर्वेद पूरी तरीके से ठीक कर देता। कैंसर में जैसे कि सेल्स में डैमेज होती हैं, तो सेल्स को रिकवर करते हैं आप, ये कैसे करते हैं? सेल्स पे मतलब सेल्स पे काम वर्क करता है, मतलब क्योर अच्छे से हो जाता है। सेल्स पे वर्क करते हैं, क्योर बेहतर तरीके से करते हैं। अब मैं बात करूंगा डॉक्टर अमित से। आयुर्वेद देश की सबसे प्राचीनतम पद्धति इलाज की, कैंसर जैसी तमाम बीमारियों का क्या आपके पास इलाज है, तो कैसे? आज का एक केस पहले मैं डिस्कस करूंगा। एक पेशेंट आई, नाम नहीं लूंगा, किसी डॉक्टर के आगे उन्होंने कहा कि शायद आपको कैंसर है। वो पेशेंट दिखाने गई डॉक्टर को, उन्होंने कहा बायोप्सी करा लो। बायोप्सी कराया, जब तक बायोप्सी नहीं कराया था उसको कुछ नहीं था, केवल छोटा सा एक छाला था। और बायोप्सी कराने के बाद उसके गले में एक बड़ी सी गांठ तैयार हो गई। इसका मैं वीडियो भी शेयर करूंगा। ये होता है कई बार ना, हम जब कैंसर को बायोप्सी के नाम पे डिस्टर्ब करते हैं तो खो और भयावह रूप ले लेता है। हम आज कैंसर के प्रति जागरूकता रख रहे हैं कि कैसे कैंसर को बढ़ने से रोकें। तो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, कैंसर अगर बन भी गए हैं तो कैसे उनको रिकवर किया जाए, या फिर कोई पूरा शरीर कैंसर पूरा जनरेट भी हो गया तो उसको कैसे ठीक किया जाए, या कैंसर से बचा कैसे जाए, इन तीनों पर हम आज कार्य कर रहे हैं। आज का ये जो आज विश्व कैंसर दिवस है, ये सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए है, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि हर एक रोगी जो कैंसर की ओर बढ़ रहा है कैसे वापस आ जाए। तो आज उन पेशेंट को जैसे ही उसने बायोप्सी की तो उनका कैंसर बढ़ गया। अगर वो उस स्टेप पे ना जा करके आयुर्वेद में आते तो हम केवल उनको पंचकर्म चिकित्सा द्वारा शोधन कराते, जिससे जो सेल्स बायोप्सी की वजह से ट्रिगर होके बड़ा हो गया, मतलब बढ़ गई, वो बिना बढ़े हमारे सेल्स रिकवर होते, रिजुविनेट होते और अपनी नॉर्मल अवस्था को प्राप्त करते और अपनी नॉर्मल अवस्था को तो प्राप्त करते। इसका सीधा सा अर्थ है कि कैंसर का उपचार आप करने में सक्षम है। बिल्कुल, सवाल यहीं से शुरू होता है। आम तौर पर यह माना जाता है कि पहली दूसरी स्टेज में कैंसर पता ही नहीं चलता। उस स्थिति में जो आपको इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, आयुर्वेद का पहला लक्ष्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है कैसे वो स्वस्थ बना रहे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है पता नहीं चलता, तो हम यदि स्वस्थ हैं और पहले से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज भी नहीं आएगी, तो थर्ड फोर्थ की बात छोड़िए। दर्शकों को समझा दीजिए कैसे। हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा से शोधन थेरेपी होती है, जो हमारी बॉडी की हर एक सेल्स को रिजुविनेट करती रहती है। अगर आप 6-6 महीने में शोधन चिकित्साएं लेते रहेंगे तो हमारे शरीर में ऐसा शायद ही कोई बीमारी होगी जो बार बार हमारे शरीर में आए। अगर हम अपने शरीर को साफ करते रहेंगे तो कोई भी बीमारी आने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये थे डॉक्टर अमित
और डॉक्टर प्रिया, जिनका साफ तौर से कहना था होम्योपैथ और आयुर्वेद में अगर पेशेंट धीरज रखे तो हम उसको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। आज कैंसर दिवस था, इसलिए हमने आपसे सोचा, एलोपैथ के बारे में तो आप अक्सर सुनते रहते थे, हमने सोचा था, हमारी टीम ने तय किया था कि आज हम होम्योपैथ और आयुर्वेद में कैंसर को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। आपने दोनों ने हमें अपना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।